YouTube पर क्वालिटी कंटेंट की कमी नहीं है बस उन्हें परखने में समय लगता है ऐसे में हायर मैथमेटिक्स पर वीडियो ढूंढना और भी मुश्किल चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस लाता रहूं हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस प्लेलिस्ट। मेक श्योर डेट कि आपने इसका प्रीवियस वीडियो जरूर देखा हो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि लेबनीज रूल क्या होता है तो आइए आज इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ वी कैन कन्वर्ट द वोल्टर इंटीग्रल इक्वेशन टू ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ अगर मैं किसी चीज़ को गलत प्रोनाउंस करूँ या फिर लिखने में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ 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 मुझे उसके लिए माफ कर देना तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास एक वोल्टेरा एंटीगल इक्वेशन है और इस वोल्टेरा एंटीगल इक्वेशन को हमें कन्वर्ट करना है ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ठीक है अगर आप देख सकते हो ये एक एग्जाम्पल है इस एग्जाम्पल में हमारे पास एक वोल्टेरा एंटीगल इक्वेशन है इस वोल्टेरा एंटीगल इक्वेशन को हम कन्वर्ट करेंगे ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में तो ये वोल्टेरा एंटीगल की इक्वेशन कैसे हुआ क्योंकि ये इस इंटीगल इक्वेशन के अंदर जो भी इंटीगल का लिमिट है लोअर लिमिट कॉन्स्टेंट होना चाहिए और अपर लिमिट हमेशा एक्स होना चाहिए इसीलिए वोल्टेरा इंटीगल इक्वेशन है क्योंकि वो उसके स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच करता है अब वोटेर एंटीगल इक्वेशन क्या होता है और एंटीगल इक्वेशन क्या होता है इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं तो आइए इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सल्यूशन कन्वर्ट द वोल्टर एंटीगल इक्वेशन टू ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी इक्वेशन गिवन है हम इस इक्वेशन नंबर वन कह देंगे और इस वोल्टेरा एंटीगल इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स और ये कब तक डिफ्रेंशिएट करेंगे जब तक ये इंटीग्रेशन साइन वैनिश ना हो जाए या फिर हमें दिखाई ना दे या फिर खत्म हो जाए तो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो डिफरेंशिएट इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा यू ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है यू डैश ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल्स टू एक्स का डेरेटिव होता है वन प्लस डिफ्रेंशिएट लेना है इस इंटीग्रेशन टर्म का दैट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स दैट इज़ इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स टी माइनस एक्स इन टू यू ऑफ टी डी ठीक है अब इसके इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे करें यहाँ पे तो हमें पता है यहाँ तो हमने निकाल दिया तो ये जो इंटीग्रेशन है इसका डेरेटिव कैसे ले तो इसके लिए हमने पढ़ा था लेबनिज रूल और लेबनिज रूल क्या होता है वो हमारा जस्ट प्रीवियस वीडियो है वहाँ पे हमने बताया था तो फिर भी हम इसको एक बार देख लेंगे कि इसे हम सॉल्व आउट कैसे करें तो हमारे पास क्या है फिलहाल हमें फाइंड करना है इसका डेरिवेटिव दैट इज डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स टी माइनस एक्स u ऑफ t डी टी तो ऐसे में हम लोग क्या कर देंगे कि जो भी हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है इसका हम लोग क्या करेंगे पहले g ऑफ x t फाइंड करेंगे क्योंकि लिबनिज रूल क्या कहता है आपको डेरिवेटिव लेना है एक इंटीग्रेशन का जिसके अंदर एक फंक्शन हो वो भी दो वेरिएबल पे डिपेंड होना चाहिए x एंड t ठीक है और नेक्स्ट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और फर्स्ट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऐसे में आपको आइडेंटिफाई करना है जी ऑफ एक्स टी अग देखो जी ऑफ एक्स टी हमें मिल जाएगा टी माइनस एक्स इंटू यू ऑफ टी ये हमें मिल जाएगा और अगर आप अल्फा देखो अल्फ़ा क्या है जीरो है और जो बीटा है वो एक्स है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अल्फा इज़ जीरो एंड बीटा इज़ एक्स तो अल्फ़ा का हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे दैट इज़ अल्फ़ा डैश ऑफ जीरो और हमें मिल जाएगा बीटा का डिफ्रेंशियशन दैट इज़ वन ठीक है और यहाँ पे हमें मिल जाएगा जी ऑफ एक्स अल्फा बीटा पहले फाइंड करेंगे क्योंकि अपर लिमिट बीटा है इसीलिए तो हमें क्या मिल जाएगा इस जी ऑफ एक्स टी के अंदर जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे बीटा से रिप्लेस करना है बट बीटा एक्स है तो एक्स से रिप्लेस करना है तो टी की जगह पे हमें बीटा पुट करना है बट बीटा की वैल्यू है एक्स तो यहाँ पे मिल जाएगा एक्स माइनस एक्स इं टू यू ऑफ टी बट एक्स माइनस एक्स इज जीरो जीरो इंटू यू ऑफ टी दैट इज़ ज़ीरो अब हम फाइंड करेंगे जी ऑफ एक्स अल्फ़ा अब अल्फा कितना है अल्फा देख लो जीरो है मतलब क्या इस जीओ ऑफ एक्स टी के अंदर जहाँ जहां टी है वहां पे अल्फ़ा पुट करना है मतलब अल्फा की वैल्यू है जीरो तो जीरो पुट कर देंगे तो टी तो पहला ही टर्म है इसीलिए जीरो माइनस एक्स हो जाएगा इंटू यू ऑफ टी दैट इज माइनस एक्स इंटू यू ऑफ टी हमें मिल जाएगा अब हम क्या करेंगे ये जो जी गिवन है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स थ्रीटिंग टी एज अंस्टेंट मतलब हमें जी को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब हम इस टी को इस जी ऑफ एक्स टी को एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये जो यू ऑफ टी है ये कॉन्सटेंट बन जाएगा इसीलिए डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा और हमें टी माइनस एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो टी का डेरिवेटिव हो जाएगा जीरो और एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस वन क्योंकि माइनस एक्स है तो ये हमें मिल जाएगा अब हमने ऐसे में सारी चीज़ें फाइंड आउट कर ली है अब हमारा लिबनिस रूल क्या कहता है इसका जो भी इंटीग्रेशन है इट इज़ गिवन बाय जी ऑफ एक्स बी इंटू बीटा डैश माइनस जी ऑफ एक्स अल्फा इंटू अल्फ़ा डैश प्लस इंटीग्रेशन डेबा जी बाय डेबा जी बाय डेबा एक्स डी टी अल्फ़ा टू बीटा बट जी ऑफ एक्स बीटा हमने अभी देखा वो कितना आ गया जीरो आ गया ये हमें मिल जाएगा जीरो माइनस जी ऑफ अल्फा कितना आ गया था जी ऑफ एक्स अल्फा आ गया था माइनस एक्स इंटू यू ऑफ टी बट हम अल्फ़ा डैश से मल्टीप्लाई करें बट अल्फ़ा डैश जीरो इसीलिए टर्म भी वैनिश हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ए टू अल्फा टू बीटा बट अल्फ़ा टू बीटा मतलब कितना जीरो टू एक्स दैट इज़ जीरो टू एक्स डेबा जी बा डेबा एक्स कितनी वैल्यू आ गई थी माइनस यू ऑफ टी आ गया था माइनस यू ऑफ टी डी टी तो यहाँ से हम बोल सकते हैं बाय लेबनिट रूल इसका जो भी डेरिवेटिव आने वाला है वो कितना आएगा वो इतना आने वाला है दैट इज़ इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स माइनस यू ऑफ टी डी टी तो यहाँ पे हम वही कर देंगे बाय लेबनिट रूल हम लिख सकते हैं यू डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वन प्लस इस पूरे डेरेवेटिव का आंसर कितना आया था हमें मिला था इंटीग्रेशन ए जीरो टू एक्स माइनस यू ऑफ टी डी टी हमें मिला था ठीक है और ये कैसे निकाला हमने बाय यूजिंग बाय यूजिंग लेबनीज रूल हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग लेबनीज रूल ठीक है अगर क्वेश्चन में ज्यादा मार्क्स का आया तो आपको लेबनीज रूल दिखाना पड़ेगा पूरा जैसे कि मैंने यहाँ सॉल्व आउट किया वो पूरा आपको यहाँ पे सॉल्व आउट करना है तो ये हमें मिल गया और इसे हम कह देंगे अपना इक्वेशन नंबर टू अगर इक्वेशन नंबर टू में ऑब्जर्व करो अगेन इसके अंदर इंटीग्रेशन साइन है तो इसके लिए हम फिर से क्या करेंगे डिफरेंशिएट कर देंगे तो डिफरेंशिएट क्वेशन टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स ठीक है तो अब यू डैश ऑफ एक्स है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें अगेन मिल जाएगा यू डबल डैश ऑफ एक्स दैट इज विच इज इक्वल्स टू वन का डेरेटिव हो जाएगा जीरो प्लस इंटीग्रेशन मतलब डेरेटिव ले रहे तो डेरेवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ दिस फंक्शन दैट इज इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स माइनस यू ऑफ टी डी माइनस बाहर निकाल दिया क्योंकि इंटीग्रेशन के बाहर माइनस निकल सकता है इसको मैं काम करूँगा इसको और बाहर माइनस निकाल दूंगा क्योंकि और अच्छे से डेरेटिव के बाहर माइनस निकाल दिया तो हमें मिल जाएगा यू डबल डैश ऑफ एक्स विच इज इक्वल्स टू माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ अ फंक्शन जीरो टू एक्स यू ऑफ टी डी टी तो हमें ये फाइंड आउट करना है ठीक है अगेन यहाँ पर आप देख लो हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं डेरेवेटिव ले रहे हैं एक इंटीग्रेशन का ऐसे में हम अप्लाई कर सकते हैं फिर से अपना लेब्निज रूल तो लेबनिस रूल अब फिर से अप्लाई करेंगे तो यूजिंग लेबनिज रूल यहाँ पे हम फिर से लेबनिस रूल लगा देंगे यूजिंग लेबनिज रूल तो हम लोग क्या कर सकते हैं इस डे इस इंटीग्रेशन का डेरेटिव फाइंड कर सकते हैं तो हम यहाँ लिख देंगे यू डबल डैश ऑफ एक्स विच इज़ सेम एज माइनस डेरेवेटिव निकालना है मतलब क्या आपको क्या करना पड़ेगा जो भी जी ऑफ एक्स टी है उसके अंदर पहले हमें एक्स आ, अपर लिमिट पुट करना है तो हमें मिल जाएगा यू ऑफ एक्स इन टू इस एक्स का डेरेवेटिव दैट इज एक डैश का एक्स का डेरेटिव कितना आ जाएगा वन आ जाएगा माइनस अगेन ये जो भी जीओ ऑफ एक्स है इसके अंदर अल्फा की वैल्यू पुट करनी है जो कि है जीरो जैसे कि हमने जैसे प्रीवियस सॉल्व किया था सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे यहाँ पे मैं नहीं बता रहा हूँ कि थोड़ा लेंदी जाएगा माइनस हमें जहाँ पे भी टी है वहाँ अल्फा पुट कर देंगे मतलब जीरो दैट इज यू ऑफ जीरो इन टू अल्फ़ा का डेरेवेटिव दैट इज़ जीरो प्लस इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन अल्फीरो टू एक्स जो भी इसके अंदर है हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शली बट एक्स का टर्म नहीं है तो उसको हम जब डेरेवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमें मिल जाएगा जीरो डी टी ये हमें मिल जाएगा अब देखो अभी क्या मिल गया दैट इज यू डबल डैश ऑफ एक्स विच इज इज इक्वल्स टू माइनस यू ऑफ एक्स इंटू वन माइनस माइनस पूरा टर्म वैनिश हो जाएगा दैट इज जीरो प्लस इस इंटीग्रेशन का टर्म वैनिश हो गया इसलिए जीरो हमें मिल गया यू डबल डैश ऑफ एक्स विच इज इक्वल्स टू माइनस यू ऑफ एक्स दैट मीन्स यू डबल डैश ऑफ एक्स इज प्लस यू ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो तो ये हमें मिल गया हमारा डिफरेंशियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन u डबल डैश ऑफ x मतलब क्या जैसे हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसा देखा था y डैश से डिनोट करते थे तो y डबल डैश से डिनोट करते थे मतलब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव दैट इज dy वाई बाई अगर कोई बोल दे y डबल डैश मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर ऑन द सेम वे हम बोल सकते हैं u डबल डैश मतलब एक तरफ से वो यही होता है तो ये हमारा एक है रिक्वायर्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमने ऐसे में क्या किया हमारे पास एक वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन था उसको हमने कन्वर्ट किया ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में तो ये हमारा फाइनल आंसर बन गया आई होप गाइस आपको ये वीडियो समझ में आया होगा अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक डिसलाइक आपको जो सही लगे वो कीजिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में भी हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया है तो लाइक डिसलाइक जरूर कीजिएगा ताकि हम समझ पाए कि आपकी पसंद क्या है कमेंट कीजिए शेयर कीजिए और सबसे ज़रूरी बात चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू सो मच लव यू टेक केयर बाय बाय